नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से वेडिंग एल्बम के बारे में। वेडिंग एल्बम के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, फोटोशॉप में फ्रेम वगैरह कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और कुछ बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर जो है कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे, नई वीडियो बनाने के लिए बोल रहे। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो और बनाता हूँ, थोड़ा सा कुछ और समझाता हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इस चीज में वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है। तो वरना तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, ईमेल एड्रेस है मेरा, वहाँ पे जाके आप मुझसे ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ पर्सनली। इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप जो है फॉलो कर लें वहाँ से जाके। तो चलिए कुछ आज कुछ जान लेते हैं फिर से वेडिंग एल्बम के बारे में थोड़ा सा कुछ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ वेडिंग एल्बम टिप्स के बारे में। छोटी छोटी बातें जो होती हैं, बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, सर ये कैसे किया, सर वो कैसे किया, ये सब आपने कैसे किया, ये आपने हार्ड कैसे बनाया, दिल के अंदर फ़ोटो कैसे डाला, ये सब बहुत सारी बातें मेरे पास आती रहती हैं। तो आज जो है मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा आपको टिप्स देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे होता है। तो ये इसको ज़रा ध्यान से देखिए वीडियो को। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं फोटोशॉप CS2 यूज़ करता हूँ, और जो नए लोग हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा, बट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है। और तो चलिए मैं ज़रा कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ, जिससे कि हम मैं जो है इस सीट को ले लेता हूँ, ये खुल रही है, इसके अंदर ये सीट बनी हुई है, ठीक है। अब ये सीट बनी हुई है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर आपने ये कैसे बना दिया, वो कैसे, कोई फ्रेम भी बना दिया, तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, यार ये फ्रेम कैसे बना दिया आपने, कमेंट्स कैसे बना दिया, जो सॉरी ये कैसे कर दिया, हार्ड में फ़ोटो कैसे डाला, ये सब बातें पूछते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। कोई भी, सबसे पहले कोई भी अगर आप प्लेन सीट पर काम करते हैं या कोई भी सीट पर काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया मूव टूल का यूज़, ठीक है। मूव टूल को पहले ठीक से समझ लीजिएगा, मूव टूल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मूव टूल से हम मूविंग कर सकते हैं, इसकी मूविंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी मूविंग कर सकते हैं, ये देखिएगा मूव कर सकते हैं हर चीज़, ये देखिएगा। तो अभी क्या है, अब हम कोई भी फ्रेम बनाएं, कोई भी कैसा फ्रेम बनाएं, जैसे कि वो हार्ड वाली बात थी, जो हार्ड वाला हो जा मैंने बनाया था, हार्ड में दिखाया भी था कुछ लोगों को, तो वो कैसे बनेगा, आप मैं आपको हार्ड दिखाऊँ, ये हार्ड है वो, ठीक है। इसको मैंने सिंपली एक हार्ड बनाया इस तरह से, और मैंने इसका एक फ्रेम बना लिया, कैसे करके, कंट्रोल एंटर करके यहाँ से इसको सिर्फ इस तरह से मैंने शार्प लोड कर रखे हैं, और इसको एक हार्ड बनाया, और ये सिलेक्शन चलने लगा। अब मैंने सिंपल इसको कंट्रोल जे करके एक हार्ड बना लिया यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको कलर चेंज कर दिखाता हूँ, ठीक है, हार्ड बन गया। अब अगर इसके अंदर कोई फ़ोटो डालना है तो कैसे डालेंगे, ये अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने इसके अंदर फ़ोटो कैसे डाला। तो अगर इसके अंदर कोई फ़ोटो डालना है तो कैसे डालेंगे, एग्जांपल फॉर हार्ड ही नहीं है, चाहे कोई फ्रेम हो, फ्रेम एग्जांपल हो, जैसे कि मैं ये फ्रेम बना देता हूँ चोर, ये फ्रेम हो गया, ठीक है, ये देखिए फ्रेम हो गया, वो ये सब फ्रेम होते हैं, जो भी ये लेयर 35 है, ये लेयर 34 है, ठीक है, ये सब फ्रेम होते हैं, कोई हार्ड वार्ड हमें बस दिखने में होता है, लेकिन सारे फ्रेम होते हैं। तो अभी कुछ लोग पूछते हैं कि आपने ये हार्ड में फ़ोटो कैसे डाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस हार्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो इस पर आएगा लेयर का इसका नाम, ठीक है, लेयर 34, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑटो सेलेक्ट लेयर पे इस पर क्लिक रखना है, डिफ़ॉल्ट जो होता है ये, यहाँ पर जब फोटोशॉप पहली बार ऑन करते हैं तो ये ऑफ होता है, ठीक है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा, ऑटो सेलेक्ट लेयर, ध्यान से इसको ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी जो भी फ़ोटो आप लेकर आएंगे, एग्जाम्पल फॉर मैं कोई भी फ़ोटो लेकर आता हूँ, ये सॉरी कोई सही सही फ़ोटो ले लूँ, चलिए मैं इस फ़ोटो को लेकर आता हूँ, ठीक है, इस फ़ोटो को मैं लेकर आता हूँ, देखिए। तो आप सिंपली मूव टूल से, इसके मूव टूल से ड्रैग करके भी लेकर सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जो कि आप इसको कंट्रोल A से सिलेक्शन हो गया बाहर का, C से कॉपी हो गया, और W से क्रॉस हो गया, ठीक है, AC W भी कर सकते हैं। तो अब ये हार्ड है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये हार्ड है, तो इसके अंदर हम इस फोटो कैसे डाल सकते हैं,
आपने इसका सिलेक्शन कर रखा है लेयर 34, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी लेयर दिखाएगा लेयर 30, ठीक है, ये दिखाएगा लेयर 30, लेयर 32, लेयर 32, सब दिखाएगा लेयर 33, ठीक है। तो इसी तरह से ये लेयर हमारी 34 है। 10 सीट पर इसको प्लान कर लेते हैं थोड़ा सा, 10 सीट है इतना सारी। अभी इसके अंदर फोटो डालेंगे कैसे, जो हमने कॉपी किया था फोटो कंट्रोल सी के साथ, अब हम उसको कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखिएगा फ्रेम जो है हमारा नीचे है, फ्रेम लेयर 34 है तो नीचे है, लेयर 35 हमने इसके अंदर पेस्ट किया। तो अभी क्या करेंगे, इसको कंट्रोल दबाएंगे, अल्ट दबाएंगे और इसको जी दबा देंगे। कंट्रोल दबाए रखना है, अल्ट दबाए रखना है, उसके बाद जी दबा देना। फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल दबाए रखना है, अल्ट दबाए रखना है और जी दबाएंगे आप तो इसके अंदर ये चला जाएगा। देखिएगा अब ये कहीं भी बाहर नहीं निकलेगा, इससे इसके अंदर ही रहेगा फोटो। और ऐसा नहीं है सिंगल फोटो, ग्रुप फोटो होगा तो ग्रुप फोटो भी ऐसे ही करेगा। कैसे करेगा ग्रुप फोटो, मैं ग्रुप फोटो ले आता हूँ। देखिए ये है, सॉरी ये ग्रुप फोटो, यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन कर रखा लेयर 34। अब यहाँ पर हमें ग्रुप फोटो ले आते हैं ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम ऑल्ट दबाना, कंट्रोल दबाना, दोनों को दबाए रखना, उसके बाद जी कर देना, ठीक है। इसके अंदर आ गया, देखिए अभी इसको बड़ा करेंगे, लेकिन ये फोटो इसके इसके अंदर लगने लायक नहीं है, खाली क्रॉप कर सकते हैं इन दोनों को, लगा लगी हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप, जो कि ये लोग जो सवाल पूछते हैं फ्रेम में कैसे फोटो डालते हैं, तो ओल्ड कंट्रोल जी के साथ आप फोटो डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये देखिएगा मैं दोबारा कर दिया ओल्ड कंट्रोल जी तो निकल गया, ओल्ड कंट्रोल जी के साथ आप इसको डाल भी सकते हैं। तो ये तो आपकी परेशानी जो है दूर हो गई होगी मुझे जहाँ तक लगता है। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, ये कैसे सेलेक्ट किया, वो कैसे सेलेक्ट किया, सिलेक्शन कैसे लिया, ये सब कुछ ऐसा होता है। आप मैं चाहता हूँ कई बार कैसे होता है कि इस फोटो को बता देता हूँ, फोटो लिखाता हूँ यहाँ पर, सॉरी इस फोटो को लिखाया। अभी मैंने इसके चारों तरफ फैदर देना है, ठीक है, फैदर देना है। तो मैं जब इसका सिलेक्शन करता हूँ तो लोग कई बार पूछते हैं कमेंट्स करके, ये आपने सर सिलेक्शन कैसे किया। तो देखिएगा सिलेक्शन करने के लिए सीधा सीधा है, आप जिस लेयर का चारों ओर का यानी कि बाहर का सिलेक्शन करना चाहते हैं उसका आप दो तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक तो सिंपल आप जो है एम टूल दबा के, ठीक है, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्टली सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता, थोड़ा सा तो होता ही है, परफेक्टली सिलेक्ट नहीं है, ठीक। अब आप इसमें फैदर देंगे यहाँ से ओल्ड एस एफ जितने का आपको फायदा देना है, ठीक है। आप जो है इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे तो इसको बाहर का डिलीट होगा, और शिफ्ट कंट्रोल आई के साथ नहीं करेंगे तो इस अंदर डिलीट होगा, ये अंदर होगा देखिए, और शिफ्ट कंट्रोल आई के साथ डिलीट करेंगे तो आप ये बाहर का डिलीट करेंगे, ठीक है, ये देखिएगा। तो ये कैसे करते हैं, ये भी लोग कई लोग पूछते हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये था, हम टूल से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, इस लेयर को सेलेक्ट कीजिए, फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा और सिंपल यहाँ पर जाएंगे आप सेलेक्ट में और यहाँ पर लोड सिलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। लोड सिलेक्शन ये दिखा रहा है, इस लेयर का नाम है जो भी सर, और उसके बाद इसे ओके कर देना। देखिएगा ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप फैदर देकर आप इसको मिक्स कर सकते हैं फ़ोटो को, कैसे, अगर बाहर का सिलेक्शन डिलीट करना है हमें तो शिफ्ट कंट्रोल आई करके बाहर का सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अगर अंदर करना है तो अंदर रहने देंगे खाली। तो हम बाहर का करना है तो शिफ्ट कंट्रोल आई के साथ जो है शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाना है, दबाए रखना है दोनों को, उसके बाद आई दबाना है, ठीक है, दबाए रखना, उसके बाद आई दबाएंगे आप। देखिए कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, अब मैंने आई दबा दिया, तो ये देखिएगा अब सिलेक्शन हो गया। और अब डिलीट का बटन जब दबाएंगे तो ये देखिएगा ये बाहर का जो मिक्स हो जाएगा फोटो, मैंने डिलीट किया है तो ये फोटो मिक्स हो गया। इस बैकग्राउंड पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद काली पर अच्छा लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जब आप सीट बनाते हैं तो कैसी सीट पर आपको क्या मैच करना, ठीक है। तो ये देखिएगा इस, तो ये कुछ सवाल आते हैं मेरे पास, तो ज़्यादा लंबे वीडियो को मैं करना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं इसके अंदर बस आपको ये दो तीन बातें ही बताऊँगा। और अब जो हम आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि हाँ और जो सवाल आएंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इन ऐसे ही सवालों का जवाब देता रहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बता दें। ज़्यादा अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा,